Hello everyone, welcome back in this second lecture of transistor, and now we are going to complete this transistor part in today's lecture. Or aaj hi 9 pm pe we are going to complete logic gates, matlab semiconductor aaj aur kal wale lecture ko mila ke pura aapka complete ho jayega. To kya meri awaaz ja rahi hai aap tak, kya mujhe sun pa rahe ho, fatafat se mujhe bata dijiye meri awaaz ja rahi hai aap tak, sun pa rahe ho aap log. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट ट्रांजिस्टर. और एक और चीज मैं बता दूं कि आज हम ट्रांजिस्टर में क्या क्या करने वाले हैं. इन पार्ट वन ऑफ दिस ट्रांजिस्टर ऑलरेडी वी हैव स्टडीड अबाउट बेसिक ऑफ ट्रांजिस्टर, कि एमिटर क्या होता है, बेस क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, डोपिंग हम कैसे करते हैं, लाइक किसकी डोपिंग क्या ज्यादा होती है, किसकी डोपिंग सबसे कम होती है, किसकी विड्थ आई मीन थिकनेस एमिटर की ज्यादा होती है, बेस की ज्यादा होती है या कलेक्टर की ज्यादा होती है. तो ये सारी चीजें हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में. अब आज के लेक्चर में हम इसके एप्लीकेशन पे आएंगे. और इफ यू टॉक अबाउट एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन ट्रांजिस्टर के बहुत ज्यादा एप्लीकेशन हैं. लाइक स्विच, आप स्विच बना सकते हैं ट्रांजिस्टर से. अब आप बोलोगे सर स्विच तो हम डायोड से भी बनाते थे. तो ऑब्वियसली जो ट्रांजिस्टर से हम स्विच बनाएंगे वो ज्यादा लाइक फास्ट ऑपरेशन देता था एज कम्पेयर टू स्विच मेड बाय डायोड. तो हम स्विच को प्रेफर करते हैं यूजिंग ट्रांजिस्टर, राइट. इसके अलावा एम्पलीफायर, एम्पलीफायर हम बना सकते हैं. इसके अलावा ऑसिलेटर, है ना. ऑसिलेटर क्या होता है, ऑसिलेटर जो सिग्नल को जनरेट करता है. जैसे मैं बोलूं कि जैसे एसी चैप्टर स्टडी करते थे हम क्या बोलते थे, हमारे पास एक लेट्स टेक एक साइनसोइडल वेव है ना, तो वो वेव कहाँ से आती है, तो वो वेव हमें जनरेट करना होता है. यूजिंग ट्रांजिस्टर मैकेनिज्म हम उस वेव को जनरेट करते हैं. तो सारी चीजें हम स्टडी करने वाले हैं इन दिस टुडेज लेक्चर. तो इन शॉर्ट आज के लेक्चर का टारगेट है एम्पलीफायर, राइट, स्विच एंड ऑसिलेटर. ये तीनों हम कंप्लीट करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. My name is Supreet Singh, having more than 8 years teaching experience, B.Tech Electronics and Communication and M.Tech in Electronics. Now, this is Hello Physics channel. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को तो लाइक करना ही करना है, ठीक है. चलिए, सो दिस इज टेलीग्राम चैनल, आप दिस इज माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल हेलो फिजिक्स चैनल, आप दोनों को ही ज्वाइन कर लेना. क्लास के बाद मैं तुरंत ही नोट्स अपलोड कर देता हूँ सो दैट आपको आप रिविजन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए. So now we are going to start application of transistor, है ना. We are going to start applications of transistor. Transistor के क्या क्या applications होंगे, transistor के क्या क्या applications होंगे. तो अभी हमने देखा था इसके बहुत सारे application हैं. Hello Jyoti, welcome. Transistor के क्या क्या applications होते हैं, एक तो switch, है ना, amplifier, right, और oscillator. तो ये तीनों हम करने वाले हैं. मैं लिख देता हूँ वन बाय वन. फर्स्ट एम्पलीफायर में, सेकेंड स्विच में, एंड थर्ड इज ऑसिलेटर. और अगर आप इस एप्लीकेशंस पे देखेंगे और इंपॉर्टेंस देखेंगे तो आपके नीट एग्जामिनेशन में इस एम्पलीफायर से क्वेश्चंस आया हुआ है ना, और बहुत बार आया हुआ, रिपीट हुए हैं, राइट. और बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, वोल्टेज गेन के फॉर्मूला यूज करेंगे एंड विल ऑब्टेन एम्पलीफायर. तो सारी चीज हम करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर. इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या स्टडी किया था. लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि ट्रांजिस्टर को कितने मोड में हम यूज करते हैं. तो मैंने आपको बताया था थ्री मोड्स, कौन कौन से. तो मैंने आपको बताए थे कॉमन बेस, दूसरा क्या बताया था, स्विच एंड ऑसिलेटर. नहीं नितिन, मैं इसकी बात कर रहा हूं, एम्पलीफायर. ऑसिलेटर से तो आने के बहुत कम चांसेस हैं, ऑसिलेटर के आने के चांसेस बहुत कम है, स्विच के उससे ज्यादा है, और एम्पलीफायर के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. तो एम्पलीफायर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. और साथ में स्विच भी करेंगे, ऑसिलेटर की जस्ट 2-4 मिनट में थ्योरी कर लेंगे बस, है ना. तो कॉमन बेस और क्या क्या होता है, कॉमन एमिटर एंड द लास्ट वन इज कॉमन कलेक्टर, राइट. तो मुझे बताइए कि कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर ये क्यों करते थे, कुछ याद है क्या. लास्ट क्लास मैंने बताया था आपको क्यों करते हैं. तो एक तो हमारी मजबूरी है एक को कॉमन करना, क्योंकि ट्रांजिस्टर में थ्री टर्मिनल्स होते हैं और इनपुट में दो, आउटपुट में भी दो वायर चाहिए. तो हमारी मजबूरी है कि एक को हमें कॉमन करना होगा, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ठीक है. अब क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहला क्या आता है वोल्टेज गेन. तो मैं यहां पे कर रहा हूं वोल्टेज गेन
What is voltage gain? So voltage gain, कौन से क्वेश्चंस करें? थ्योरी ऑलमोस्ट डन, नाउ क्वेश्चन प्रैक्टिस, कौन से क्वेश्चंस करें? नितिन आपको शायद पता नहीं हो, मैं अभी जस्ट बता भी दूंगा कि अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं। हर एक चैप्टर के टॉप 100, टॉप 50 या टॉप 300 क्वेश्चंस होते हैं बेस्ड ऑन वेटेज ऑफ द चैप्टर, ठीक है? तो वहां आप कर सकते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इसके अलावा आप कोई सी भी बुक उठा लो, डीसी पांडे उठा लो, एरलेस उठा लो, या जो भी आप बुक उठाना, ऑब्जेक्टिव बुक उठा लीजिए और उसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, राइट? साथ में पीवाईक्यूज भी करने हैं, तो इंडिविजुअल लेवल पे करिए और साथ में मैं आपकी हेल्प करा भी रहा हूं। तो वोल्टेज गेन, दूसरा होता है करंट गेन, है ना? दूसरा होता है कौन सा? करंट गेन। तो एक हो गया वोल्टेज गेन, एक हो गया करंट गेन, ठीक है? अब हम वोल्टेज गेन की बात करते हैं। वोल्टेज गेन होता क्या है? तो वोल्टेज गेन होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। फिर सुनो, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। करंट गेन क्या होगा? आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जब हम कॉमन बेस यूज करते हैं तो जो वोल्टेज गेन होता है वो होता है हाई, है ना? वोल्टेज गेन कैसा होता है? हाई। कॉमन कलेक्टर में जो वोल्टेज गेन होता है ये होता है लो। लो का मतलब बहुत लो, 1 के आसपास। और कॉमन एमिटर में ये भी होता है हाई, है ना? ये भी क्या होता है? हाई। अच्छा, करंट गेन की बात करें, ये हो जाता है लो। कॉमन एमिटर में ये रहता है हाई और ये रहता है हाई। तो अब देखो हुआ क्या कि सपोज वी वांट टू मेक एम्पलीफायर, ठीक है? अगर आपने इफ यू आर चूजिंग कॉमन बेस, इन दैट केस वोल्टेज गेन इज हाई, करंट गेन इज लो। तो अगर आपको सिर्फ वोल्टेज गेन चाहिए तो आप वोल्टेज गेन के लिए क्या यूज कर लेंगे? कॉमन बेस। वैसे ही अगर आपने कॉमन कलेक्टर यूज कर लिया तो उसका करंट गेन तो हाई होता है बट वोल्टेज गेन कम होता है। तो अब मुझे बताओ कि अगर आपको एम्पलीफायर बनाना है तो आप कौन से कॉन्फ़िगरेशन को यूज करेंगे? तो यू विल यूज कॉन्फ़िगरेशन विच वन? कॉमन एमीटर, क्योंकि कॉमन एमीटर में वोल्टेज गेन भी हाई होता है, करंट गेन भी हाई होता है। इसीलिए जब हम पावर की बात करेंगे तो पावर गेन किसका हाई हो जाएगा? तो पावर किसका हाई हो जाएगा? तो जो पावर है ना, पावर ये हाई हो जाए, क्योंकि पावर होता है वोल्टेज गेन, है ना? इसको एबीसी डिनोट करते हैं, मैं लिख देता हूं पहले, वोल्टेज गेन मल्टीप्लाइड बाय करंट गेन, राइट ज्योति? करंट गेन। सो सिंस इन कॉमन एमिटर वोल्टेज गेन इज हायर एज वेल एज करंट गेन इज हायर, सो जब पावर गेन की बात होगी तो ये हाई हो जाएगा। ये दोनों के लिए हाई है तो ये हाई हो जाएगा। दैट्स वाई टू डिजाइन एम्पलीफायर वी प्रिफर कॉमन एमिटर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कॉमन बेस से हम एम्पलीफायर नहीं बना सकते, कॉमन कलेक्टर से नहीं बना सकते। तो ये भी पॉइंट आपको पता होने चाहिए थे कि क्यों हम कॉमन एमिटर से एम्पलीफायर बनाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, इफ वी आर डिजाइनिंग एम्पलीफायर यूजिंग कॉमन एमिटर तो इनपुट और आउटपुट में जो फेज शिफ्ट होता है, वो होता है 180 डिग्री। क्या है, मैं बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, अगर मैं बात करूं फेज शिफ्ट इसके बीच में इनपुट एंड आउटपुट, शायद दिख रहा होगा मेरे पीछे तो नहीं आ गया, नहीं आ रहा है ना, फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो कॉमन बेस में क्या होता है? नो फेज शिफ्ट, नो, या मैं इसको लिखता हूं सेम फेज। ये क्या होता है? सेम फेज, इसका मतलब बताऊंगा मैं, सेम फेज। अच्छा, कॉमन मीटर में क्या होता है? 180 डिग्री फेज शिफ्ट। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है नीट में इस पे बेस्ड। और कॉमन कलेक्टर में सेम फेज। इन सब का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे मैथमेटिकली डिराइव भी करेंगे, बट ये चीज आपको याद रखनी है, सेम फेज 180 डिग्री एंड कॉमन कलेक्टर में भी सेम फेज। और हम कॉमन एमिटर को डिजाइन करने वाले हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट और आउटपुट में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। चलिए, यहां तक कहानी सबकी क्लियर है, ठीक है? अब आते हैं एम्पलीफायर होता क्या है। किसी ने देखा है एम्पलीफायर को आपके घरों में? एम्पलीफायर देखा है क्या आप लोगों ने? एम्पलीफायर। सो एम्पलीफायर इज समथिंग विच एम्पलीफाइज सिग्नल। जैसे मान लो कि पहले के आपने देखा होगा, पहले के अगर आपके होंगे इंस्ट्रूमेंट, उसमें हम लाते थे एम्पलीफायर जो सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता था, है ना? अभी भी ऐसे समझो कि अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ को हमें इंक्रीज करनी है तो हम क्या यूज करेंगे? एम्पलीफायर। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव अ सिग्नल,
आप मुझे बताना कि कौन सा एम्पलीफायर हो सकता है। फर्स्ट ये रहा मान लो इनपुट सिग्नल है, दिस इज वॉट इनपुट सिग्नल। एक और केस लेते हैं जिसमें ये क्या रहा हमारा इनपुट सिग्नल। आपको मुझे बताना है कि कौन से में एम्पलीफिकेशन हो रहा है। पहले में क्या हुआ, ऐसा हो गया, ठीक है। दूसरे में किस में एम्पलीफिकेशन होगा, कम ऑन, फर्स्ट वन या सेकेंड वन, किस में एम्पलीफाई हो रहा है, फर्स्ट वन में या सेकेंड वन में? सर एम्पलीफाई तो दोनों ही हो रहा है, एम्पलीफाई तो दोनों ही हो रहा है, क्योंकि ये था हमारा आउटपुट, ये क्या था हमारा आउटपुट, और जो येलो वाला है ना वो है इनपुट। जो येलो वाला है वो क्या है, इनपुट, येलो वाला इज इनपुट, दोनों में हो रहा है। बट जो एम्पलीफायर यहाँ डिजाइन करने वाले हैं ना, वो एम्पलीफायर टाइम पीरियड को चेंज नहीं करता, वो टाइम पीरियड को चेंज नहीं करता, वो सिर्फ एम्पलीट्यूड को चेंज करता है। मतलब हम जो सर्किट बना रहे हैं, हम जो स्टडी कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट दिस एम्पलीफायर, वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट दिस एम्पलीफायर। एम आई क्लियर? ऑल्दो इसमें भी एम्पलीफाई हो रहा है, बट इसमें टाइम पीरियड चेंज हो रहा है। देखो ना, टाइम पीरियड ये हो गया, पहले कितना था, तो पहले जो टाइम पीरियड था वो ये था, पहले ये टाइम पीरियड था। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो सेकेंड वाला की स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या था, इसमें इनपुट एंड आउटपुट क्या है, सेम फेज, इनपुट एंड आउटपुट क्या है, सेम फेज। हेयर इनपुट एंड आउटपुट आर इन सेम फेज। अगर मैं थर्ड डिजाइन कर दूं ऐसा जो हम यूज करेंगे इन कॉमन एमिटर, तो जब आप कॉमन एमिटर यूज करेंगे, जब आप कॉमन एमिटर यूज करेंगे, ये रहा हमारा इनपुट, ये क्या है हमारा इनपुट, दिस इज इनपुट, दिस इज इनपुट, दिस इज इनपुट, मैं बाद में लिख दूंगा, पहले समझा देता हूं। और तो आउटपुट जो ऐसे हो जाएगा, साइनसोइडल वेवफॉर्म, सो दिस इज व्हाट, दिस इज आउटपुट, और जो येलो वाला है, येलो वाला, दिस इज व्हाट, दिस इज इनपुट, दिस इज इनपुट। क्या इसकी क्लैरिटी आ गई सबको, है ना? ये किससे आएगा, ये कॉमन एमिटर से आएगा, और ये जो एम्पलीफायर है ये कॉमन बेस से आएगा एंड कॉमन कलेक्टर से आएगा। तो ये भी आपको पता होने चाहिए। एम आई क्लियर टू एवरीवन? चलिए, ये तो बेसिक हो गया कि अबाउट एम्पलीफायर। नाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन एम्पलीफायर सर्किट यूजिंग कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेशन। तो ये सर्किट एक्चुअली याद नहीं होते स्टूडेंट्स को जल्दी से, तो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे याद रखना है। ऑल्दो अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं सर्किट लेके नहीं आया, मैं आपके सामने सर्किट डिजाइन करूंगा और आप फील करना कि अच्छा इस सर्किट है, इस सर्किट की वर्किंग ऐसे हो रही है। सबसे पहले मुझे चाहिए कॉमन एमिटर, तो मैं क्या करूंगा, एक ट्रांजिस्टर बनाऊंगा, है ना, एक ट्रांजिस्टर बनाऊंगा, राइट, और इन सच ए वे दैट जो एमिटर टर्मिनल है, जो एमिटर टर्मिनल है वो इनपुट और आउटपुट में कॉमन हो। तो डेफिनेटली देखो ये हो गया हमारा एमिटर, यस और नो, दिस इज एमिटर टर्मिनल। क्या हमने एमिटर को इनपुट और आउटपुट में कॉमन कर दिया, यस और नो, यस। अब क्या हुआ कि इनपुट में भी एक रजिस्टर लगाएंगे, उसको हम बोलेंगे इनपुट रेजिस्टेंस, तो ये रहा हमारा इनपुट रेजिस्टेंस, है ना। यहाँ पे बेस से कनेक्टेड है तो नाम दे दिया इसको आरबी, आप चाहो तो इसको आर इनपुट भी बोल सकते हो, इट्स अप टू यू। एक रजिस्टर कहाँ लगेगा, एक रजिस्टर आउटपुट में भी लगेगा, तो उसको नाम दे रहे हैं हम आरसी। क्या नाम दे दिया इसको, आरसी। आरसी क्यों नाम दिया, क्योंकि ये कलेक्टर से कनेक्टेड है। ओके, चलो ये हो गया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, मुझे बताओ कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी, एक बार आप समझ लीजिए ना, फिर तो सर्किट तो आप आंख बंद करके आराम से बना देंगे। आंख बंद करके बताने का मतलब है कि आंख खोल के अच्छे से बिना रटे समझ के बना सकते हैं, ठीक है। दिस इज एनपीएन या पीएनपी, सो दिस इज फ्लूइड मैकेनिक्स, कितने बजे है फ्लूइड मैकेनिक्स, कल है, कल की टाइमिंग है 4 PM एंड 9 PM, ठीक है। तो ये है हमारा एन, दिस इज पी एंड दिस इज एन, है ना, एन पी एंड एन, एन पी एंड एन। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब मुझे बताओ कि मैंने आपको बताया था कि मुझे एम्पलीफायर अगर बनाना है तो ट्रांजिस्टर को किस में यूज करेंगे, एक्टिव मोड, कट ऑफ मोड या सेचुरेशन, एक्टिव, कट ऑफ, सेचुरेशन। लास्ट क्लास में मैंने बताया था एक्टिव, कट ऑफ, सेचुरेशन। तो जब हम एक्टिव मोड यूज करते हैं, एक्टिव मोड में हम एम्पलीफायर बनाते हैं, राइट। जब हम कट ऑफ या सेचुरेशन यूज करते हैं तो क्या बनाते हैं, स्विच। जब स्विच बनाएंगे तो कट ऑफ सेचुरेशन पे आएंगे, सिंस वी आर मेकिंग एम्पलीफायर, तो हमें क्या चाहिए, एक्टिव मोड। और एक्टिव मोड क्या होता है कि इनपुट होगा फॉरवर्ड बायस, आउटपुट होगा रिवर्स बायस, यस और नो, राइट। तो इनपुट कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस, और आउटपुट कैसा होगा, रिवर्स बायस।
तो जब इनपुट को हम फॉरवर्ड बायस करेंगे, जब इनपुट को हम फॉरवर्ड बायस करेंगे तो फॉरवर्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हम बैटरी लगाएंगे, यहाँ पे जो हम बैटरी लगाएंगे इन सच ए वे दैट, इन सच ए वे दैट ये यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे निगेटिव आएगा। क्या हमने इनपुट को फॉरवर्ड बायस कर दिया? यस राइट। अब आते हैं आउटपुट पे, तो आउटपुट पे मुझे क्या करना है, इसको मुझे रिवर्स बायस करना है। इसको मुझे क्या करना है, रिवर्स बायस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एमिटर है ना, अच्छा कैसे पता लगा फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि देखो पी को हमने क्या किया, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, राइट। तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। इसमें मुझे क्या करना है, इसको मुझे रिवर्स बायस करना है। दिक्कत ये है कि ये एन है और ये भी एन है, अब दो एन है तो किसको देखा जाए, तो ये जो एन है ना दिस इज कॉमन, तो कॉमन वाले को हम नहीं देखते क्योंकि ये एन इनपुट में भी कॉमन है आउटपुट में भी कॉमन है। हम कौन से एन को देखेंगे, हम इस वाले एन को देखेंगे, राइट। तो अगर हम इस एन को देखेंगे तो मुझे रिवर्स बायस करना है, मतलब अगर हमने एन को क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज, एन को दे दिया पॉजिटिव चार्ज, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हम पोलैरिटी लगाएंगे ना, वो पोलैरिटी हम लगाएंगे लाइक दिस। क्या ये क्लैरिटी है सबके, कैसे हमने पोलैरिटी लगाया, डन डन डन। चलिए इतनी सी छोटी सी कहानी थी, इतनी छोटी सी कहानी थी। इससे हमने क्या किया, इससे हमने ये किया कि यहाँ पे हमने फॉरवर्ड और रिवर्स कर दिया, इसको हमने फॉरवर्ड और रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब इसके ओके नाउ नाउ ये तो कहानी हो गई कि हमने इनपुट को फॉरवर्ड कर दिया, रिवर्स कर दिया। इस वोल्टेज का एक स्पेशल नाम होता है, क्योंकि ये डीसी है ना, ये डीसी है तो इसको एक अलग से नाम देते हैं। नाम क्या देते हैं, देखो ये किससे कनेक्टेड था, बेस से, है ना, इसको बोलते हैं वीबीबी। ये स्टैंडर्ड नेम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, मतलब ये हमारा बेस, ये हमारा कलेक्टर, तो इसको हम बोलते हैं वीबीबी, ठीक है। और ये किससे कनेक्टेड है, कलेक्टर से, तो इसको नाम देते हैं वीसीसी। दिस इज स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, ये वीसीसी हो गया और ये वीबीबी हो गया, ठीक है। अब जो एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर का काम क्या होता है, एम्पलीफायर का काम होता है सिग्नल को एम्पलीफाई करना। दैट मीन्स हमें सिग्नल चाहिए, सिग्नल कहाँ से आएगा, तो ये रहा सिग्नल। हमने क्या किया, यहाँ पे एक सिग्नल लगा दिया, ये लो सिग्नल, मतलब कुछ तो सिग्नल दोगे ना तभी तो एम्पलीफाई करोगे, तो ये रहा हमारा सिग्नल, ठीक है। और सिग्नल को हमने लगा दिया, और ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है, तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिर्फ स्टार लगा देता हूँ लाइक दिस। ये समझ में आया, दिस इज इनपुट सिग्नल, दिस इज इनपुट सिग्नल। अब आप बोलोगे सर कि इनपुट सिग्नल है, समझना, अगर इनपुट सिग्नल है तो ये फिर क्यों लगाया, है ना, ये इनपुट सिग्नल है तो ये क्यों लगाया। ये हमने इसीलिए लगाया क्योंकि ये दीज आर बाइसिंग पोटेंशियल, मतलब ये हुआ कि ये दिस इज बिहेविंग लाइक अ डायोड, दिस इज बिहेविंग लाइक अ डायोड। हुआ क्या कि एक डायोड है, चलो मैं थोड़ा सा और बेसिक बता देता हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, कि अगर एक डायोड है ना, एक डायोड है, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू है दिस इज -2 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, ये फॉरवर्ड में होगा या रिवर्स में होगा, ये किस में हो जाएगा, रिवर्स बायस, ये किस में हो जाएगा, रिवर्स बायस, राइट। और रिवर्स वाइस हो गया। दिक्कत ये हुई कि जो सिग्नल, अगर मान लो दे रहे हैं हम, जो हम सिग्नल दे रहे हैं, सिग्नल कैसा होता है, ऐसा कुछ सिग्नल ऐसा ही कुछ होता है ना, तो इस पॉजिटिव के लिए तो डायोड तो फॉरवर्ड वाइस में रहेगा, पॉजिटिव के लिए तो डायोड कैसा रहेगा, फॉरवर्ड में। बट जब हम इसकी बात करेंगे तो डायोड रिवर्स वाइस में हो जाएगा ना, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल मान लो ऐसा कुछ दिया हमने, समझना, हमने इनपुट सिग्नल ऐसा दिया, तो हुआ क्या कि ये जो डायोड है ना पी और एन, ये तो बेसिकली एक छोटा सा डायोड ही तो है, पी और एन, है ना, पी एन डायोड की तरह काम कर रहा है, तो इस सिग्नल के लिए तो आराम से ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से चलेगा। बट इस सिग्नल के लिए दिक्कत यह होगी कि ये ओपन हो जाएगा, मतलब ये सिग्नल तो है ट्रांजिस्टर में जा ही नहीं पा रहा, और अगर जा ही नहीं पा रहा तो हम आउटपुट कहाँ से ले पाएंगे, आउटपुट में जो एम्पलीफिकेशन मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा बस, अगर मान लो कॉमन बेस लिया, या यहाँ पे एम्पलीफिकेशन कैसा मिलेगा, लाइक दिस। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, ये तो 0 हो गया, फिर लाइक दिस, एम आई क्लियर टू एवरी वन। जब इनपुट आउट ट्रांजिस्टर्स में जा ही नहीं रहा, जा ही नहीं पा रहा, तो हम कहाँ से आउटपुट ले पाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पे एक वोल्टेज लगा देते हैं। इस वोल्टेज का काम है, ये डीसी वोल्टेज है, इसका काम है इस वोल्टेज, इस ग्राफ को शिफ्ट कर देना। इसका मतलब ये है कि अगर हमने इसमें कुछ एड ऑन कर दिया तो ग्राफ कैसा बन जाता है, देखो ये कुछ बेसिक है, ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, है ना, ये इंजीनियरिंग की बुक में मिलता है, इसका लॉजिक बस बुक में होता है, ऐसा कुछ गिवन है रट जाओ उसको, बट समझ में आ जाए तो उसका मजा ही कुछ और है। एम आई क्लियर टू एवरी वन? हाँ, अगर आप इंजीनियरिंग की बुक देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा मैं जो बता रहा हूँ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब क्या हुआ, देखो अब क्या हुआ
कि कोई सा भी वोल्टेज ले लो, कोई सा भी वोल्टेज ले लो, सब पॉजिटिव है क्योंकि हमने लेवल को ही शिफ्ट कर दिया। एम आई क्लियर टू एवरीवन? और अगर लेवल शिफ्ट हो गया तो इस पूरे साइकिल के लिए, पूरे साइकिल के लिए हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो वर्क करेगा, मतलब पूरा सिग्नल ट्रांजिस्टर में जाएगा। बाद में क्या होगा वो तो डिफरेंट थिंग है, बट जा तो रहा है कम से कम। एम आई क्लियर टू एवरी वन? क्यों हम लगा रहे हैं ये और क्यों लगा रहे हैं हम ये? डन डन डन। चलिए, ये थी बेसिक कहानी, ये थी बेसिक कहानी। अब हम आते हैं किस पे? अब हम आते हैं रियल लॉजिक पे कि कैसे हम वोल्टेज गेन ऑप्टेन करेंगे, है ना? क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो आपसे आएगा वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन, वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन, बस इतना से ही क्वेश्चन आता है ना? तो हम उस वाले मेन मुद्दे पे आते हैं अब। तो हम क्या करेंगे, जब इनपुट की बात करेंगे, इनपुट जब हम इनपुट की बात करेंगे तो इनपुट के लिए, इनपुट वाले के लिए वी इनपुट कितना हो जाएगा? अगर मैं यहाँ से केवीए लिखना स्टार्ट करूँ, केवीए लिखना स्टार्ट करूँ तो क्या हो जाएगा? वी इनपुट प्लस माइनस, है ना, फिर प्लस माइनस, तो मैं क्या लिखूंगा? वी इनपुट माइनस आई आई इंटू आर बी माइनस माइनस वी बी एंड ई। अच्छा, व्हाट इज वी बी एंड ई? वी बी ई जो है वोल्टेज बिटवीन बी एंड ई, वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमिटर, कुछ तो वोल्टेज होगा ना, तो वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमिटर यहाँ पहुंच गए। और अगर यहां से यहां भी चले जाते हैं तो प्लस वी बी बी, क्या हो गया ये? प्लस 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 वी बी बी, डन इज इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। क्या यहां तक क्लैरिटी है? सब कोई क्वेश्चन कैसे लिखा हमने, ठीक है। अब क्या हुआ, जो वी इनपुट है वो कितना हो जाएगा? वी इनपुट प्लस वी बी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर बी, आई आर बी, रिजल्ट में बता दूंगा कैसे याद रखना, जस्ट समझ लीजिए, प्लस वी बी ई। अब क्या करते हैं कि हम चेंज लेते हैं, चेंज चेंज, तो चेंज इन इनपुट कितना हो जाएगा? तो चेंज इन इनपुट डेल लगा दिया हमने, ये वी बी तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये कितना हो जाएगा कांस्टेंट में? जीरो। अरे वी बी भी क्या चेंज हो रही है? नहीं हो रही है, ये कितना हो गया? जीरो इज इक्वल टू। अच्छा, आई आई कौन सा आई है? दिस इज आई बी, दिस इज आई बी। आई बी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बेस से जा रही है और यहां से जो करंट जाएगी उसको क्या नाम देंगे हम? आई सी, है ना। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? आई बी इंटू आर बी। तो चेंज, अगर वोल्टेज, इफ वोल्टेज इज चेंजिंग या इफ इनपुट सिग्नल इज चेंजिंग तो डेफिनेटली करंट विल चेंज। तो लेट्स टेक करंट में चेंज कितना आ गया? आई बी, है ना, डेल्टा आई बी इंटू आर बी। मुझे बताओ कि वी बी बी में कितना चेंज आएगा, इसमें कितना चेंज आएगा, ये मुझे बता दो, इसमें कितना चेंज आएगा? तो आंसर है इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि ये तो फिक्स रहेगा ना, भले इनपुट आप कुछ भी कर दो, क्या ये कभी चेंज हो सकता है? नहीं, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो इसमें चेंज कितना होगा? जीरो। मतलब ये कितना हो गया? जीरो। सो दिस इज जीरो। इसका मतलब डेल्टा वी आई किसके बराबर हो गया? डेल्टा आई बी इंटू आर बी। यस और नो? एम आई क्लियर टू एवरीवन? चलिए, यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम सेम केवीए लिखेंगे आउटपुट लूप में। सेम केवीए लिखेंगे कहां? आउटपुट लूप में। तो ये लिखना थोड़ा आसान है, कैसे देखो, है ना, आउटपुट की बात कर रहे हैं, मैं यही डायग्राम इसी पेज बना देता हूँ सो दैट आप समझ पाओ। आउटपुट कहाँ से लेते हैं? आउटपुट हम यहाँ से लेते हैं, दिस इज आउटपुट। मतलब मैं इसको बाहर भी दिखा सकता था, तो अल्टीमेटली यहीं से हम आउटपुट लेते हैं। ये आउटपुट कितना होगा? अगर मान लीजिए आई सी करेंट जा रही है तो ये कितना हो जाएगा वी आउटपुट? दिस इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी। यस और नो? वी आउटपुट कितना हो जाएगा? वी सी सी माइनस आई सी आर सी। यस और नो? क्लियर है? तो चेंज इन आउटपुट कितना होगा? चेंज इन आउटपुट हो जाएगा VCC। अच्छा ये बताओ, VCC चेंज होगा या कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट, जैसे VBB कांस्टेंट था, जैसे VBE कांस्टेंट था, VCC भी कांस्टेंट है, तो इसका चेंज कितना हो जाएगा? जीरो। माइनस IC क्या चेंज होगा? यस, IC चेंज होगा, डेल्टा IC इंटू RC। यहां से IC की वैल्यू कितनी हो गई? इसकी वैल्यू हो गई माइनस माइनस, या फिर ऐसे रहने देते हैं ना, इसी को अच्छे से लिख देते हैं। तो यहां से वैल्यू कितनी हो गई? दिस इज इक्वल टू डेल्टा वी नॉट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आई सी आर सी। दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू। दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। नाउ हमें चाहिए वोल्टेज गेन, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, वी वॉन्ट वोल्टेज गेन, वी वॉन्ट वोल्टेज गेन, यही इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आता है वोल्टेज गेन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वोल्टेज गेन? अच्छा, वोल्टेज गेन को शॉर्ट में लिखते कैसे हैं? सो वोल्टेज गेन को हम शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, ए वी, ए एंड वी। तो इसका फॉर्मूला होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, इसका फॉर्मूला होता है
आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो मुझे बताओ कि अच्छा चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट, चेंज इन आउटपुट कितना है इक्वेशन वन से, आउटपुट कितना है डेल्टा माइनस डेल्टा आई सी इंटू आर सी, तो ये है माइनस डेल्टा आई सी इंटू आर सी अपॉन चेंज इन इनपुट, ये कितना है तो ये है डेल्टा आई बी इंटू आर बी, तो डेल्टा आई बी इंटू आर बी। यस और नो, इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज गेन है ना ए वी इज इक्वल टू माइनस, ये टर्म देखा हुआ लग रहा है क्या, हाँ इसी को हम क्या बोलते हैं बीटा, ये हो गया बीटा इंटू आर सी अपॉन आर बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि आ गया है ना, इन जनरल ए वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस बीटा, आर सी क्या था मुझे बताओ, वॉट वॉज आर सी, आर सी था कि जो हमने कलेक्टर टर्मिनल से रजिस्टर लगा रखा है, बट इन जनरल क्या मैं इसी को बोल सकता हूँ आउटपुट रजिस्टेंस, यस। और आरबी को मैं क्या बोल सकता हूँ इनपुट रजिस्टेंस, मतलब अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है आउटपुट रजिस्टेंस एंड इनपुट रजिस्टेंस, ये हो जाएगा आउटपुट रजिस्टेंस और ये हो जाएगा इनपुट रजिस्टेंस, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे हो जाएगा माइनस बीटा इंटू क्या हो जाएगा ये आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। तो ये फार्मूला अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। अब क्या क्या टर्म में मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जो ए वी है ना, ए वी, ए वी को हम क्या बोलते हैं वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन। अच्छा व्हाट इज बीटा, बीटा है करंट गेन, है ना करंट गेन। व्हाट इज आर ओ, आर ओ है आउटपुट रेजिस्टेंस, आर ओ क्या है आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस। याद रहेगा क्या फॉर्मूला, सिंपली माइनस बीटा इंटू आर ओ अपॉन आर नॉट रेजिस्टेंस। एंड व्हाट इज आर आई, इनपुट रेजिस्टेंस, दिस इज इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस एंड इनपुट रेजिस्टेंस, दिस इज ए वी माइनस बीटा इंटू आर ओ अपॉन आर आई। एम आई क्लियर टू एवरीवन, ये फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को और समझते हैं थोड़ा सा, अब जो मैं बताने वाला हूँ नोट में लिख रहा हूँ मैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी से आता है ना, मैं समराइज कर रहा हूँ सब कुछ को, ठीक है। सबसे पहले अल्फा किसके लिए डिफाइंड होता है, अल्फा किसके लिए डिफाइंड होता है, अल्फा 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 किसके लिए डिफाइंड होता है, तो आप ऐसे याद रखिए कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, इसके लिए अल्फा डिफाइंड होता है, इसके लिए बीटा डिफाइंड होता है और इसके लिए गामा डिफाइंड होता है, और यही तीनों क्या है करंट गेन, ये तीनों क्या होते हैं करंट गेन, करंट गेन। तो कभी भी कॉमन बेस गिवन हो तो ये होगा अल्फा, कॉमन एमिटर हो तो बीटा और कॉमन कलेक्टर हो तो गामा, फर्स्ट पार्ट। अच्छा वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन अभी हमने क्या फॉर्मूला देखा था वोल्टेज गेन का, तो वोल्टेज गेन की अगर हम बात करें तो अभी हमने ये देखा था कि बीटा माइनस बीटा इंटू आर ओ अपॉन आर आई, मतलब माइनस बीटा इंटू आर ओ अपॉन आर आई। क्या वोल्टेज गेन आप कॉमन बेस में बता सकते हैं, क्या वोल्टेज गेन कॉमन बेस में बता सकते हैं, कॉमन कलेक्टर में बता सकते हैं, या फिर वोल्टेज गेन सिर्फ और सिर्फ कॉमन एमिटर में ही हमें पता होता है? तो बहुत आसानी से आप वोल्टेज गेन कॉमन बेस में भी बता सकते हो, ये हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट, यस और नो। वैसे ही कॉमन कलेक्टर में क्या हो जाएगा माइनस 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 गामा इंटू आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। एम आई क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट होता है पावर गेन, नेक्स्ट क्या होता है पावर गेन। तो जब हम पावर गेन की बात करेंगे, जब हम पावर गेन की बात करेंगे तो पावर गेन होता क्या है, पावर गेन होता है वोल्टेज, वोल्टेज गेन इंटू करेंट गेन, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर आर नॉट अपॉन आर आई। तो आपके पास दो मेथड है, या तो आप वोल्टेज गेन और करेंट गेन निकाल लो और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, या सीधा इस फॉर्मूले को यूज कर लो, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई तो किया है, ये हो जाएगा माइनस बीटा स्क्वायर आर ओ अपॉन आर आई, और ये हो जाएगा माइनस गामा स्क्वायर आर ओ अपॉन आर आई। एम आई क्लियर टू एवरी वन? क्लैरिटी है सबको? चलिए अगर क्लैरिटी है तो फटाफट से इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते कितना समझ में आया है ना, तो क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट से। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे, गेट रेडी फॉर क्वेश्चंस। चलिए फटाफट से मुझे इसका आंसर बता दो, देखते इसका आंसर सबसे पहले कौन बताता है सॉल्यूशन। आई वॉन्ट आंसर्स, इसका आंसर क्या होगा, मैं टर्म्स एक बार लिख देता हूँ, है ना, मैं एक बार टर्म्स लिख देता हूँ क्या क्या है। टर्म्स ये गिवन है कि इन अ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर इज 3 वोल्ट, ठीक है।
द रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर इज 3 किलो ओम। रेजिस्टेंस ऑफ किसका? कलेक्टर का, है ना, कलेक्टर का रेजिस्टेंस गिवन है, मतलब ये हुआ कि आरसी गिवन है, दिस इज 3 किलो ओम, और इसी को हम क्या बोलेंगे, आउटपुट रेजिस्टेंस। अच्छा, इफ करंट गेन इज 100, 100 करंट गेन है, अच्छा ये अल्फा या बीटा है, कभी भी आप कंफ्यूज हो जाओ ना कि अल्फा होगा या बीटा होगा, कभी भी आप कंफ्यूज हो जाओ अल्फा होगा बीटा होगा, तो ध्यान रखना कि बीटा जो होता है उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, अल्फा की वैल्यू 1 से लेस होती है, तो 100 है इसका मतलब डेफिनेटली ये बीटा होगा। कितना हो गया, 100। बेस रेजिस्टेंस ये कितना है, तो ये है 2 किलो ओम, राइट, इसका मतलब आरबी कितना है, 2 किलो ओम, और आरबी को हम क्या बोलते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस, सो दिस इज आर इनपुट। ठीक है, द वोल्टेज एंड पावर गेन ऑफ एम्पलीफायर कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, जब हम वोल्टेज गेन की बात करेंगे फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है माइनस आरबी, है ना, इनटू इनटू माइनस, सॉरी माइनस बीटा इनटू आरबी, आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट, ये तो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला होता है माइनस माइनस बीटा इनटू आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। बीटा कितना है, 100 विथ माइनस साइन इनटू आरबी, आरबी कितना है, 2 किलो अपॉन इनपुट कितना है, आउटपुट कितना है, सॉरी 3 है ना आउटपुट, तो आउटपुट तो 3 है ना, 3K, आउटपुट इज 3K अपॉन इनपुट कितना है, इनपुट है 2K, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, यस, 2 से 2 से 2 से 50, तो दिस कम्स आउट एज कितना हो गया, 150, और ये के तो कैंसिल आउट हो गया। गेन की यूनिट क्या होती है, तो गेन की यूनिट नहीं होती है, तो 150 हो गया, इसका मतलब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर। अब याद करिए, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि इन केस ऑफ कॉमन एमिटर इनपुट और आउटपुट में 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, बताया था ना, क्यों होता है वो, क्योंकि इस फॉर्मूले में आप देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसीलिए फेज डिफरेंस कितने का होता है, 180 का। चलिए मुझे इसका आंसर बता दो फटाफट से, अगर क्लैरिटी है तो मुझे इसका आंसर बता दीजिए, देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन बताता है, कौन, इसका आंसर क्या होगा, वॉट अबाउट दिस वन, वॉट अबाउट दिस वन, इसका आंसर क्या होगा, तो देखो गिवन क्या है, गिवन ये है, हेलो गेमर फटाफट आंसर बता दो, लेट हो गए, आंसर बता दो फटाफट से, क्या होगा, ए, ऋतिक सिंह ए, अरे स्पैम मत करो, तो इनपुट सिग्नल गिवन टू सीई एम्पलीफायर हैविंग वोल्टेज गेन, देखो एवी कितना गिवन है, एवी गिवन है 150, ओके, इनपुट वोल्टेज गिवन है हमारे पास, ओके सी आंसर बता रहे हो, दिनेश सिंह ए, चलिए देख लेते हैं, इनपुट गिवन है, इनपुट गिवन है वी इनपुट इज इक्वल टू 2 cos 15t प्लस π/3, राइट, द करस्पॉन्डिंग आउटपुट सिग्नल, तो वी नो दैट जो वोल्टेज गेन होता है ए वी डिनोट करते हैं, ए वी का फॉर्मूला होता है वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होता है वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, तो यहां से जो आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी दिस विल बी वोल्टेज गेन इंटू वी इनपुट, वोल्टेज गेन इंटू वी इनपुट, अच्छा वोल्टेज गेन कितना है, 150 इंटू इनपुट कितना है, तो 2 cos 15t प्लस π/3, ये तो फॉर्मूला है राइट, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 150 और इंटू 2 कितना हो जाएगा, 300, तो इसको मैं ये कितना लिख दूंगा, मैं इसको मैं लिख दूंगा 300, मैं इसको लिख दूंगा 300 cos 15t प्लस π/3, तो इसको देख के लग रहा है कि ए आंसर होना चाहिए, है ना, ये लग रहा है बट वो गलत है, ए नहीं, सॉरी ए नहीं, कौन सा, डी लग रहा है कि होना चाहिए बट डी करेक्ट नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो फेज शिफ्ट होता है वो कितने का होता है, पाई का होता है, फेज शिफ्ट कितने का होता है, पाई का, इसका मतलब जो फाइनल आउटपुट होगा ना, फाइनल आउटपुट वो कितना हो जाएगा, पाई का फेज शिफ्ट, मतलब 300 cos 15t प्लस π/3, और साथ में क्या लिख देंगे हम, प्लस पाई, ये इंपॉर्टेंट है, पाई का फेज शिफ्ट हो गया, इसका मतलब ये हो गया 300 cos, कितना हो जाएगा ये, 15t प्लस 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4π/3, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एम आई क्लियर टू एवरीवन, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, सी। तो हमने ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज कर लिया, अब हम आते हैं
जब हम ऑसिलेटर बनाएंगे, तो ऑसिलेटर कैसे बना देंगे और स्विच की तरह ये कब बिहेव करेगा, तो स्विच वाला पोर्शन भी अब हम देख लेते हैं। तो अब मैं थ्योरी पे आता हूँ वापस से। स्विच तो स्विच के लिए आपको याद ये रखना है कि जब हम स्विच बनाते हैं यूजिंग ट्रांजिस्टर, है ना, तो हमारे पास अलग अलग मोड्स होते हैं। कौन कौन से मोड? कट ऑफ मोड एंड सेचुरेशन। इन दोनों में ट्रांजिस्टर स्विच की तरह काम करता है। एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो हम उसी की स्टडी करने वाले हैं। तो वापस से मैं डायग्राम वही बना रहा हूँ जो अभी बनाया था। समझना बहुत ईजी है। सपोज वी हैव अ ट्रांजिस्टर, ठीक है, और हमने यहाँ पे बना दिया रजिस्टर, वोल्टेज, कॉमन एमिटर, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या दिया, एक रजिस्टर, और यहाँ पे इनपुट, और साथ में हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये रहा हमारा VBB। हम ऐसे भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, वी इनपुट VBB, ठीक है, और ये रहा हमारा RC, और ये रहा हमारा VCC। दिस इज कॉमन एमिटर, दिस इज एमिटर, दिस इज बेस एंड दिस इज वॉट, कलेक्टर, ठीक है, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। चलिए, ये कहानी सबके समझ में आ रही है। अब क्या हुआ, स्विच का मतलब क्या होता है? स्विच का मतलब ये होता है कि इफ इनपुट अगर लो हो जाए, अगर इनपुट लो हो जाए तो आउटपुट हाई हो जाएगा, है ना। स्विच का मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। स्विच का मतलब ये होता है कि या तो आउटपुट होगा या आउटपुट नहीं होगा, मतलब ऑन ऑफ, 1 0। स्विच का मतलब होता है 2 डिजिट में। जब मैं आज ही बताऊंगा, लॉजिक गेट्स कराऊंगा, तो वहां आप देखना कि 0 और 1 में हम डील करते हैं, सिर्फ सिर्फ 0 और 1 में डील करते हैं। मतलब हमें यहाँ पे या तो 0 करना है या 1 करना है। तो इसको अच्छे से समझिए आप कि कैसे ग्राफ बनता है, ग्राफ से क्लैरिटी आ जाती है। लेट्स टेक दिस इज वी आउटपुट, लेट्स टेक वी इनपुट। हुआ क्या कि जब हम इनपुट को कम रखते हैं, जब हम इनपुट को क्या रखते हैं, कम, इफ इनपुट इज वेरी लेस, तो मुझे बताओ ये जो है बेसिकली कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN। दिस इज ट्रांजिस्टर, कौन सा ट्रांजिस्टर है, दिस इज N, दिस इज P, दिस इज N, NPN ट्रांजिस्टर है ना। तो PN क्या है, डायोड है, दिस इज बेसिकली डायोड। इस डायोड को ऑन करने के लिए कम से कम 0.7 वोल्ट चाहिए इफ वी आर यूजिंग सिलिकन, है ना, और इफ वी आर यूजिंग जर्मेनियम तो कितना चाहिए, 0.3 या 0.2, यही यूज करते हैं, ठीक है। मतलब जीरो, अगर मान लो सिलिकन हमने यूज किया फॉर एग्जाम्पल, तो 0.7 से अगर कम है तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये तो ऑफ रहेगा ना। मतलब अगर इनपुट वोल्टेज 0.7 से कम है तो ये तो ऑन ही नहीं होगा, और अगर ऑन ही नहीं हुआ तो आउटपुट कुछ जाएगा ही नहीं, और अगर आउटपुट नहीं जाएगा तो ये जो IC है, IC क्या होगा, जीरो। IC क्या हो जाएगा, जीरो। ये था हमारा क्या था, IB। इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट इक्वेशन क्या लिखते थे, आउटपुट लिखते थे हम VCC माइनस ICRC, यस और नो, अभी लिखा था हमने V आउटपुट इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। तो इफ 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 इनपुट वोल्टेज इज लेस देन 0.7 वोल्ट, इन दैट केस ये ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं हो रहा, और अगर ट्रांजिस्टर ऑन नहीं कर रहा, ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा, तो IC भी जीरो हो जाएगा। कब? जब इनपुट लेस देन 0.7 वोल्ट हो, राइट। और अगर IC जीरो हो जाए तो V आउटपुट किसके बराबर हो जाएगा, VCC के। इसका मतलब जब इनपुट जीरो था तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, हाई। मतलब इनिशियली ये कर्व यहाँ कहीं से स्टार्ट होगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे अब, तो अब ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, और ये कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा तो IC भी साथ में इंक्रीज होगा। इसका मतलब अगर IC इंक्रीज हो रहा है, अगर इफ IC इज इंक्रीजिंग, तो आउटपुट धीरे धीरे कम होता जाएगा। मतलब ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ अल्टीमेटली ऐसा बनता है, ये ग्राफ अल्टीमेटली, ये तो डिलीट हो गया शायद, ये है टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेज, आई थिंक ये डिलीट हो गया गलती से, मुझे फिर से ड्रॉ करना होगा, है ना। चलो ये तो कुछ अलग ही हो गया, लेवल का चल रहा है, मैं फिर से फटाफट ड्रॉ कर देता हूँ, आई एम होपिंग समझ में आया होगा, है ना, ये डिलीट हो गया शायद। तो मैं फिर से डायग्राम बनाऊँ फिर, चलो मैं शॉर्ट में बना देता हूँ फटाफट से। ऐसे कुछ था, हो जाता है कभी कभी, टेक्निकल है, VBB RC RB VCC। तो हमने ये देखा अभी, हमने ये देखा कि वी वर प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन वी आउटपुट
एंड वी इनपुट। और आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होता है, आउटपुट हम कहाँ से लेते हैं, यहाँ से आउटपुट लेते हैं, वी आउटपुट यहाँ से मेजर करते हैं अल्टीमेटली। जो वी आउटपुट का एक्सप्रेशन था वो था वी आउटपुट इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी। मैं ये बता रहा था जब इनपुट कम है 0.7 से लेस था तो आउटपुट क्या आ रहा था, वी सी सी के बराबर, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हम इनपुट को इंक्रीज करते हैं तो जो आई बी है ना, आई बी, ये आई बी भी इंक्रीज होगा, ये आई सी भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आई सी जैसे जैसे इंक्रीज होगा ना तो आउटपुट धीरे धीरे कम होता जाएगा। मतलब ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ध्यान रहे ये जीरो नहीं होता, क्योंकि एक वैल्यू के आने के बाद ये जो आईसी है वो सैचुरेशन में चला जाता है, मतलब फर्दर उसमें इंक्रीमेंट नहीं होता। इसका मतलब वी आउटपुट की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है, मतलब बहुत कम इंक्रीमेंट होता है तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हमें स्विच चाहिए। इस पूरे के तीन मोड हो गए, पहला मोड, दूसरा मोड और ये थर्ड मोड, ये है हमारा एक्टिव मोड। पहले जो था वो था कट ऑफ, जब ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं था उसको हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ। ये जो मोड है ना, दिस इज कट ऑफ। और जो लास्ट वन है उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन। वंस अगेन, ट्रांजिस्टर तीन मोड में काम करता है, कौन कौन से, कट ऑफ, एक्टिव, सैचुरेशन। एक्टिव को हम कहाँ यूज करते हैं, एम्पलीफायर में। कट ऑफ को कहाँ यूज करते हैं, स्विच में। सैचुरेशन को कहाँ यूज करते हैं, स्विच में। तो ये थी कहानी, थ्योरी की कहानी थी कि ट्रांजिस्टर कैसे स्विच की तरह काम कर रहा है। स्विच इसीलिए क्योंकि जब इनपुट कम है ना तो आउटपुट 1 आ रहा है, जब इनपुट ज्यादा हो गया तो आउटपुट 0 आ रहा है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं स्विच से, वो इंपॉर्टेंट है और वो देखते हैं, क्योंकि जेई में तो क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में कम ही आते हैं क्वेश्चन। बट कम आते हैं इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आएंगे, आ सकते हैं। बहुत सिंपल थ्योरी है, क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमने ट्रांजिस्टर कौन सा लिया था, ये ट्रांजिस्टर हमने लिया था NPN। तो आपको याद बस इतना रखना है कि अगर हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर हो, इफ वी हैव विच ट्रांजिस्टर NPN, ये जो बता रहा हूँ ना नोट में, यही इसका समरी है। इफ वी हैव NPN ट्रांजिस्टर, इफ वी हैव NPN ट्रांजिस्टर, और हमने यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज है वो 1 दिया, क्योंकि या तो 1 देंगे या 0 देंगे। तो अगर मैं 1 दूं ना तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाता है, ऑन। ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाता है, ऑन। ऑन का मतलब ये है कि ये और ये, अगर मैं नाम दे दूं, लेट्स टेक दिस इज सी, दिस इज ई एंड दिस इज बी, तो ऐसा होता है कि जो बी है ना, बी तो ओपन रह जाता है और सी से ई कनेक्ट हो जाता है। बस यही आपको याद रखना है। कैसे, मैं एक डायग्राम की हेल्प से बताऊंगा, अभी एक क्वेश्चन भी करा दूंगा। वन सेकेंड, जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑन हो गया तो कलेक्टर एमिटर शॉर्ट हो जाता है और बेस अलग हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं सैचुरेशन में जाना। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सैचुरेशन। मतलब सी और ई क्या हो गया, हमारे पास कनेक्ट हो गया। अब दूसरा केस लेते हैं, ये सेम ट्रांजिस्टर था, ये आपको याद रखना है। अगर ये ट्रांजिस्टर है हमारा, है ना, और हमने इनपुट में क्या दिया, जीरो। हमने इनपुट में क्या दिया, जीरो। पहले हमने इनपुट में क्या दिया था, 1। तो मैं 1 लिख देता हूं ताकि ये ना लगे क्वेश्चन 1 है, सप्लाई है 1। जब हम जीरो देंगे तो ये ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं होगा। ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं होगा, और ऑन नहीं हुआ इसका मतलब ट्रांजिस्टर किसमें, सैचुरेशन में या कट ऑफ। तो ट्रांजिस्टर है कट ऑफ में, तो ये जो रहेगा ये ऑफ रहेगा, और इसके लिए सर्किट कुछ ऐसा हो जाता है, लाइक दिस। और ये भी क्या हो जाता है, ये भी डिस्कनेक्ट रहता है, ये डिस्कनेक्टेड ही रहता है, सी और यही, कोई कुछ भी कनेक्शन नहीं है। इसी को हम बोलते हैं कट ऑफ हो गया, और इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन। इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेशन। क्या कुछ कुछ समझ में आया, मैं इसको डायग्राम की हेल्प से फिर से समझाता हूँ, फिर मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। मुझे बताओ, इनिशियली जब वैल्यू कम थी तो सैचुरेशन या कट ऑफ। जब वैल्यू कम थी इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा ट्रांजिस्टर ये है, NPN ट्रांजिस्टर है, NPN। तो NPN में अगर ये कम रहा तो क्या होगा, कम होने का मतलब ये सब कुछ ओपन हो गया, मतलब ये हुआ कि ये पूरा ही खत्म हो गया, कुछ कहानी इधर कुछ भी नहीं है। तो अगर ये सर्किट ओपन हो गया तो IC कितना हो जाएगा, जीरो। और अगर IC जीरो हो गया तो आउटपुट किसके बराबर हो जाएगा, If IC is equal to zero, तो वी आउटपुट किसके बराबर हो जाएगा, VCC। मतलब हमें क्या मिल जाता है, हाई वोल्टेज। एम आई क्लियर टू एवरी वन, इसलिए इस ग्राफ में हाई मिला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबके, यस और नो। एक क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, मतलब एग्जैक्टली नहीं,
बट इस टाइप का एक क्वेश्चन हुआ है सेम इसी कॉन्सेप्ट पे कि एक ट्रांजिस्टर बना हुआ था, है ना, एक ट्रांजिस्टर बना हुआ था और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ था, ये था 10 वोल्ट। देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है। दिस इज 2 ओम, और यहाँ पे हमने एक रजिस्टर और था, यहाँ पे एक और रजिस्टर लगा हुआ था, रजिस्टर, और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई थी लाइक दिस। इस बैटरी की वैल्यू थी 10 वोल्ट, ये था 2 ओम, है ना, ऐसा कुछ बना हुआ था। पूछा ये जा रहा था कि इफ ट्रांजिस्टर इज एक्टिंग इन सेचुरेशन रीजन, गिवन है जो ट्रांजिस्टर है हमारा वो किस में एक्ट कर रहा है, दिस इज एक्टिंग इन सेचुरेशन रीजन, सेचुरेशन रीजन। तो आपको बताना था कि बताओ इसे जो करंट फ्लो होगी आई की क्या वैल्यू होगी। क्या बता नहीं सकते? बता सकते हो या नहीं बता सकते हैं? अगर ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में है तो क्या आप करंट की वैल्यू बता सकते हो? कहीं भी आपको दिख जाए, कहीं भी आपको दिख जाए कि ट्रांजिस्टर किस में है, सेचुरेशन में है, इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, सीधा ही इसके लिए इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। सेचुरेशन का मतलब क्या है? सेचुरेशन का मतलब ये है कि ये जो टर्मिनल है ना, ये बेस से तो ओपन है और कलेक्टर और एमिटर शॉर्टेड है। बेस ओपन है, कलेक्टर एमिटर क्या है, शॉर्टेड है। हेलो सौरभ। तो इसका मतलब इसको हमने ओपन कर दिया लाइक दिस, और हमने क्या किया, कलेक्टर एमिटर को मिला दिया, मतलब लाइक दिस, ये सर्किट हो गया। क्या सिंपल है या नहीं है? डर आपको भगाना है कि ट्रांजिस्टर से क्वेश्चंस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। दिस इज 10 वोल्ट। तो नाउ टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई, आई की क्या वैल्यू होगी। यहां से जो आई की वैल्यू होगी, दिस इज 10/2, 2 से 5 टाइम्स, तो दिस कम्स आउट एज 5 एम्पियर। एम आई क्लियर टू एवरीवन? क्या समझ में आया कैसे हुआ? वही अगर कट ऑफ होता तो, आई क्या हो जाता, 0, है ना। तो उसमें आपसे पूछ लिया जाता बताओ वोल्टेज कितना होगा इसके अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं भाई आसानी से। डन डन डन। चलो ये थी कहानी किसकी, और ये थी कहानी किसकी, स्विच की। तो हमने एम्पलीफायर कर लिया, हमने स्विच भी कर लिया, अब लास्ट आते हैं ऑसिलेटर। ऑसिलेटर से वैसे कम ही क्वेश्चन आते हैं, तो मैं 5 मिनट में ऑसिलेटर को कंप्लीट कर दूंगा। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ऑसिलेटर होता क्या है, कैसे काम करता है ना। तो फटाफट से ऑसिलेटर कर लेते हैं। तो ऑसिलेटर, और रात को 9 बजे क्लास होगी लॉजिक गेट्स की, जिसमें पूरे लॉजिक गेट हम कंप्लीट करेंगे आज, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ऑसिलेटर, ऑसिलेटर, ठीक है, ऑसिलेटर। व्हाट इज ऑसिलेटर? ऑसिलेटर इज समथिंग व्हिच इज यूज्ड टू जनरेट सिग्नल। मतलब ये है कि अभी तक हम ये स्टडी करते थे, अभी तक हम ये स्टडी करते थे कि एक काम करते हैं कि सिग्नल ले लो साइनसोडल, ये तो बोलते थे साइनसोडल ले लो, बट ये सिग्नल आता कहाँ से है, ये सिग्नल आता कहाँ से है? कोई डिवाइस होगी जो सिग्नल को जनरेट करता हो, तो वही डिवाइस क्या है, ऑसिलेटर। अब मैं आपको ऑल्टरनेटिंग करेंट से कुछ लिंक कराता हूँ, समझ लीजिए, बेसिक समझ लीजिए, फिर तो आप आराम से कर ही लेंगे। एलसी ऑसिलेशन सुना है सबने? एलसी ऑसिलेशन क्या होता था? एलसी ऑसिलेशन, हम एक कैपेसिटर लेते थे, एसी चैप्टर याद करो, और एक इंडक्टर लेते थे, और हमने क्या करते थे, हम याद याद करिए, हम क्या करते थे कि हम कैपेसिटर को पहले चार्ज करते थे, है ना, कैपेसिटर को चार्ज करते थे और उसको, सॉरी, एल से कनेक्ट कर देते थे, उसको हम एल से कनेक्ट कर देते थे, यस और नो, कैपेसिटर को चार्ज कर दिया और उसको एल से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने का मतलब स्विच को क्लोज कर दिया हमने। जैसे ही स्विच को हमने क्लोज किया, जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया, तो क्या होता था, जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर थी वो इंडक्टर में जाती थी, फिर एनर्जी जो इंडक्टर में स्टोर होती थी वो कैपेसिटर में जाती थी, और ये ऑसिलेशन चलता रहता था, यस और नो होता था ना, ठीक है। और मैं बोलूं कि यहां से आप आउटपुट ले लो, यहां से आउटपुट ले लो, आप यहां से आउटपुट, तो होता क्या था कि अगर मान लीजिए एक बार +5 वोल्ट है कैपेसिटर के अक्रॉस, तो पहले +5 मिलता था, फिर -5 मिलता था, फिर +5 मिलता था, फिर -5 मिलता था, एंड सो ऑन, यस और नो। तो इसी का जो ग्राफ होता था वो कैसा होता था, लाइक दिस, यस और नो। दिस इज चैप्टर ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, जहां पे आपने एलसी ऑसिलेशन किया होगा, क्या था ना, ठीक है। बट ये आइडियल है, दिस इज व्हाट, आइडियल। एक्चुअल में कोई भी कैपेसिटर, ओके सर, आप जस्ट वेट करो, लेट मी कंप्लीट ना, फिर डिस्कस कर लेंगे एक बार, इस टॉपिक को बीच में रोकना इज नॉट गुड। एक बार ये कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपके डाउट पे ले लूंगा, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट आइडियल, तो आइडियल में क्या होता है, देखो आइडियली हम ये मानते हैं कि कैपेसिटर में कोई भी लॉस नहीं हो रहा, इंडक्टर में भी कोई लॉस नहीं हो रहा। लॉस किस में होता है, रजिस्टर में। वंस अगेन, आइडियल बिहेवियर में कैपेसिटर में कभी लॉस नहीं होता,
इंडक्टर में कभी लॉस नहीं होता। लॉस किस में होता है? रजिस्टर में। तो इसलिए हमने ये बना लिया था आइडियली कि ये वेव फॉर्म चलती रहेगी। बट प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली क्या होता है कि कैपेसिटर में भी कुछ ना कुछ रजिस्टर होता है। रजिस्टर फ्री कैपेसिटर बना ही नहीं सकते, वैसे ही रजिस्टर फ्री इंडक्टर भी नहीं बना सकते। तो प्रैक्टिकली इसमें भी लॉस होता है, इसमें भी लॉस होता है। मतलब जब एनर्जी इसके पास मान लो थी 10 जूल या 5 जूल या 10 जूल मान लो एनर्जी थी, जब यहाँ गई तो वो 10 धीरे धीरे कम होकर 8 हो गया, फिर ये ट्रांसफर हुआ तो 6 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया। मतलब धीरे धीरे एनर्जी कम होती जाती है। और अगर एनर्जी कम होगी, इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो कुछ ऐसा बनता है। तो ग्राफ कैसा बनता है? लाइक दिस। और ये खत्म हो जाता है लाइक दिस, डन डन डन। तो दो ग्राफ है, दिस इज आइडियल और ये क्या था? प्रैक्टिकल। दिक्कत क्या हुई? दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हो गई यहां पे कि जो हमने बनाया था क्या, ऑसिलेटर, अगर आइडियल माने तो ये चलता रहा है ना, बट प्रैक्टिकली ड्यू टू डैम्पिंग, वेरी गुड हरीश, ड्यू टू डैम्पिंग ये खत्म हो जा रहा है ना। तो अब ऐसा सोचा गया कि अगर हम एक ऐसा सेटअप बना लें जो सिग्नल को बूस्ट करे, और साथ में ये तो चल ही रहा है, मतलब हर एक साइकिल पे जो कम हो रहा था, अगर एक एम्पलीफायर बना लें, एम्पलीफायर सिग्नल को बूस्ट कर देगा और ये सिग्नल चलता रहेगा फिर, तो क्या सिस्टम सिस्टम पॉसिबल है? तो आंसर इज यस। इसीलिए जब हम ऑसिलेटर बनाते हैं तो पहले हम ट्रांजिस्टर से एम्पलीफायर बना लेते हैं, और फिर उसके बाद ये एलसी सर्किट बोलते हैं, एलसी सर्किट को हम बोलते हैं टैंक सर्किट, देन वी कनेक्ट एलसी सर्किट और ओवरऑल जो सर्किट बना उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटर। एम आई क्लियर टू एवरीवन? वंस अगेन, जब मुझे ऑसिलेटर बनाना है तो मुझे एक ऐसी सिग्नल चाहिए जो कंटिन्यूसली चले, कोई डैम्पिंग नहीं हो, राइट? बट ये तो पॉसिबल है नहीं प्रैक्टिकली, क्योंकि एलसी अगर आपने बनाया तो दोनों में रजिस्टर होता है, तो उसकी वजह से धीरे धीरे कम हो जाता है। दैट मीन्स अगर हम एक एम्पलीफायर बना दें, एम्पलीफायर का काम है सिग्नल को एम्पलीफाई करना, बूस्ट करना, तो जैसे ये कम होता जा रहा है एम्पलीफायर वापस से बूस्ट कर देगा और हमें ऑसिलेटर मिल जाएगा। एम आई क्लियर टू एवरीवन? तो एक सिंपल सा सेटअप है, मैं सेटअप जस्ट बना देता हूँ, इसे बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं आते, पर ठीक है आप समझ जाइए। कि अगर मैंने मान लो यहाँ पे बना दिया, होता क्या है कि यहाँ पे हम एक इंडक्टर बना लेते हैं, देखो यहाँ सब क्या करते हैं, एक कैपेसिटर लगा लेते हैं, एक इंडक्टर लगा लेते हैं, है ना, ऐसा कोई सर्किट होता है ये कॉमन, और फिर मतलब ये सेम कॉइल पे ही होता है, सेम कॉइल पे होता है, जस्ट समझिए क्योंकि इसे क्वेश्चन आते नहीं है। यहाँ से मैंने इसको यहाँ से गलत कनेक्ट कर दिया, समझ लीजिए। इनपुट जो था ना, इनपुट इसको बोलते हैं फीडबैक पाथ, हम क्या बोलते हैं? फीडबैक। मतलब इनपुट आउटपुट में क्या लगा होता है? यहाँ पे लगा होता है इंडक्टर, और साथ में पैरेलल क्या लगा होता है? कैपेसिटर, और ये सर्किट यहाँ पे जो भी आप सप्लाई देंगे ये इनपुट है ना, और ऐसे कुछ लगा होता है फॉरवर्ड। तो ये सर्किट का ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन तो मैं आपको कराने वाला भी नहीं हूँ उस पर, ये कुछ यहाँ से लगा होता है। समझिए क्या हो रहा है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ इसमें हुआ क्या, हुआ क्या है ना, हुआ क्या कि ये जो है ना, ये क्या जनरेट कर रहा है? दिस इज सिग्नल, दिस इज सिग्नल, और हम यहाँ क्या बनाते हैं? दिस इज एम्पलीफायर, दिस इज एम्पलीफायर। तो होता क्या है कि जो इनपुट यहाँ से जनरेट हो रहा है फीडबैक करके, मतलब यहाँ से ये आउटपुट आ रहा है ऐसा कुछ, ये आउटपुट वापस से कहाँ देते हैं हम? ट्रांजिस्टर के इनपुट को, मतलब जो आउटपुट है ना वापस यहाँ से हम क्या ले रहे हैं? आउटपुट। हुआ क्या, इन शॉर्ट आप बस ये समझिए, या इसको ऐसे समझो, आप ऐसे समझो, इससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है। हुआ क्या, हमने क्या बनाया? एम्पलीफायर, एम्पलीफायर है ना, एम्पलीफायर। अब हम क्या करते हैं कि आउटपुट को वापस से फीडबैक दे देते हैं, इससे थोड़ी अच्छी फीलिंग आ जाती है। क्योंकि मैं सर्किट डायग्राम पे अभी नहीं जा रहा, मैं सर्किट डायग्राम पे नहीं जा रहा क्योंकि वो सब क्वेश्चन आते भी नहीं है। तो ये क्या है? हमारा फीडबैक, देखो यह, तो इससे क्या हुआ कि फीडबैक, फीडबैक से क्या हो रहा है कि वापस से आउटपुट से इनपुट एडअप होता जा रहा है, तो इनपुट वापस से इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज वापस से होती जा रही है। मतलब ये हुआ कि पहले मान लो 5 था, समझो अगर 5 था, 5 से 2 हो गया, ये कम हो गया, अब 2 वापस यहाँ से एडअप हो रहा है, तो वापस आउटपुट इंक्रीज होता जा रहा है। अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्या हुआ कि आउटपुट सिग्नल इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये सिंपल सी थ्योरी है किसकी? ऑसिलेटर की। फ्रिक्वेंसी की अगर बात करें, फ्रिक्वेंसी क्या होता है? 1/2 पाई अंडर रूट LC, ये फ्रीक्वेंसी है जो आप याद रखते हो ना, है ना, ये फ्रीक्वेंसी आपको याद रखना है, बाकी ऑसिलेशन से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, यही आपको याद रखना है। क्या यहां तक क्लैरिटी से समझ के समझ में आ गया? यस और नो?
हाँ, अब जो भी डाउट है ना एक बार डाउट पूछ लो, अब जो भी डाउट है एक बार डाउट पूछ लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। कम ऑन सौरभ, आपके डाउट्स है ना, आपके डाउट्स है सौरभ? ओके यस, क्या डाउट्स है ना? आप चाहो तो देखो, इसमें मैंने अभी आप डिटेल में नहीं बताया, अगर आप बनाना चाहो तो डिटेल भी बना सकते हो, अगर आप डिटेल में बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो, कोई बहुत वो नहीं है। सिंपल से दो कॉइल लेके हम सर्किट बना सकते हैं, ठीक है? बताइए क्या था डाउट, बना ही दो क्या इनपुट? चलो मैं बना ही देता हूँ, नहीं तो फिर हाउ टू फास्ट डिवीजन इन 12th बोर्ड। ओके सो 12th में कैसे रिवाइज करेंगे, 12th में कैसे रिवाइज, चलो मैं सर्किट बना ही दूंगा, अच्छे से बना ही दूंगा अभी, ठीक है? हाउ टू रिवाइज 12th बोर्ड। देखो सिंपल सी बात है, आप एक काम करिए, कोई भी रिवाइज करते हो, कुछ भी करते हो है ना, कुछ भी रिविजन करते हो, तो सबसे पहले एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। प्रॉपर प्लानिंग, आप क्या करिए, नंबर ऑफ डेज निकाल लो, कितने आपके बचे हुए हैं, कितने डेज बचे हुए हैं, और उस नंबर ऑफ डेज में आपको कितने सब्जेक्ट करने हैं, पर चैप्टर आप टाइम निकालो, पर चैप्टर आपको कितना टाइम लग रहा है। सबसे पहले आप ये प्लान कर लो कि पर चैप्टर मुझे कितना टाइम लग रहा है, ठीक है? उस टाइम को फिर चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करो, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करो, एंड देन रिविजन के लिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी उठा लो। बट एनसीईआरटी से पहले अगर आपने लेक्चर नोट किसी टीचर से किए हुए हैं, देखे हुए हैं, जो भी किए हुए हैं, जैसे मान लो मेरे लेक्चर देखते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे लेक्चर उठा लो आप इलेक्ट्रोस्टैट के, पूरा एक साथ एक वन शॉट में बैठ के कंप्लीट कर दो। मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैट में मान लो 8 घंटे का लेक्चर है, एक बार बैठो और 8 घंटे देख पाओ, देख लो, हो सकता है गैप ले लो 10 मिनट 15 मिनट, बट वन शॉट में एक दिन में उसको कंप्लीट कर दो। उसके बाद वापस से एनसीईआरटी उठाओ और लाइन बाय लाइन हर एक पॉइंट को टिक कर लीजिए। मैं बोर्ड के स्पेशली बता रहा हूँ, मतलब कभी भी एनसीईआरटी को आप डायरेक्टली मत उठाओ, एक बार आप थ्योरी देख लो किसी की भी, जहां भी आप देखते हो, ठीक है, जिनके भी फॉलो करते हो, एंड देन एनसीईआरटी उठा के फिर गो थ्रू हो जाओ सारा, देखना एनसीईआरटी भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी और वो चैप्टर आपका काफी अच्छे से हो जाएगा, रिविजन के लिए बता रहा हूं मैं। और एक बार देख लोगे ना फिर एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, ठीक है? डन डन डन। और कुछ था क्या? नहीं था ना, तो एक काम करता हूँ मैं सर्किट को फिर से बना ही देता हूँ, अदरवाइज आप लोग इसकी वर्किंग समझ नहीं पाओगे। मैं सर्किट को फिर से रिड्रॉ कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। अगर जैसा आपने एम्पलीफायर बनाया था, पहले एम्पलीफायर बना दो। ओके हरीश, आप उस पे नहीं आते, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे नहीं आते, वहां तो चली रही है ना, मैंने वहां पे शिफ्ट कर दिया एक्चुअली अभी, तो वहां भी आया करो, वहां भी हम रोजाना प्रैक्टिस करते हैं। मंडे को वापस से मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स में 45 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? तो वहां भी करते हैं, ठीक है? तो हुआ क्या, समझो इसको, अगर हम ऑसिलेटर की बात करेंगे, अगर हम ऑसिलेटर की बात करेंगे तो हमें क्या करना है, आउटपुट में हमें एक एलसी सर्किट बनाना है। तो हमने ये क्या किया, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया, एक इंडक्टर लगा दिया, ठीक है, और ये सर्किट हो गया, ये हमारा इनपुट हो गया। अब दिक्कत ये होती है कि हमें एक फीडबैक पाथ चाहिए, हमें क्या चाहिए होता है, एक फीडबैक पाथ, वो कहाँ से मिलेगा? तो फीडबैक पाथ के लिए होता क्या है कि हमें यहाँ पे एक वापस इंडक्टर चाहिए होता है। मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, वैसे इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आता भी नहीं है, बट ठीक है समझ लो। और यहाँ से ये कुछ ऐसा होता है लाइक दिस, है ना, बस समझ लो, आपने बोला तो चलो मैं समझा ही देता हूँ हुआ क्या। और ये दोनों जो कॉइल है ना सेम ही वाइंडिंग पे रैप होती है, मतलब ये हुआ, ये भी इस पे होती है और ये भी इस पे होती है, समझ में आ रहा है कुछ? इससे क्या होगा कि फ्लक्स जो लॉसेस हो रहे हैं वो नहीं होते, और फिर यहाँ पे, यहाँ तक कहानी क्लियर है सबके, ठीक है? और इसी के यहाँ पे एक और कॉइल होता है और जहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, आउटपुट। ये कहानी है जो कहानी चलती रहती है, और यहाँ पे वीसीसी भी लगा सकते हो, वीसीसी लगाना ही है, वो कैसे भूल सकते हो, तो यहाँ पे वही लगा दिया, दिस इज वीसीसी और दिस इज वीबीई, ये इसका एक्चुअल होता है। तो यहाँ पे जो इनपुट है ना, ये रहा हमारा इनपुट, वो कहाँ से आता है, आउटपुट से, है ना? तो ये एक्चुअली इसका मेन सेटअप है, ये एलसी टैंक सर्किट है। और जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी यही होता है 1/2 पाई अंडर रूट एलसी, ये आपको याद रखना है। तो अल्टीमेटली आपको तीनों चीज याद रखने हैं, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर एंड स्विच। सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है एम्पलीफायर पे, फिर स्विच पे, एंड द लास्ट वन इज ऑसिलेटर। तो आई एम होपिंग ये समझ में आया होगा आप लोग। और हाँ, मैं इसकी बात कर रहा था एवरीवन, अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो अभी भी 22nd को 7 PM पे मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ टॉप 100। इसमें हम करेंगे 45 क्वेश्चंस इन 1 आवर, राइट? तो फटाफट से आ जाना सो दैट हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पे कर पाए,
राइट। और आज ही 9 PM पे हम लॉजिक गेट को खत्म करने वाले हैं, तो लॉजिक गेट से भी एक क्वेश्चन आता है तो हम लॉजिक गेट को खत्म करेंगे। तो 9 PM पे आप लोग आ जाना, और इसके लिए डायरेक्टली यू हैव टू एंटर unacademy.com/supri10। एंटर करेंगे यू विल फाइंड माई प्रोफाइल। और यू कैन डू वन थिंग, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, नीट में जाओ, फ्री लाइव क्लासेस में जाओ, सुप्री सिंह सर्च करो, यू विल फाइंड माई है ना प्रोफाइल। supri10 लगा के अनलॉक करिए और आराम से लेक्चर देखो। नेक्स्ट इज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अगर आप सोच रहे हो कि क्या आप लेट हो चुके हो सब्सक्रिप्शन के लिए, नहीं, अभी भी हमारे मल्टीपल बैचेस लॉन्च हो रहे हैं और लॉन्च हो चुके हैं, तो अभी से भी अगर आप इनरोल कराते हो तो भी आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। साथ में ये जो टेस्ट सीरीज है, डाउट क्लियरिंग सेशन है, पोल्स, ये सारी चीज़ें आपको एडेड एडवांटेज होती है यहाँ पे। तो आप प्लान कर लीजिए, मल्टीपल बैचेस जैसा मैंने बताया आपको स्टार्ट हो रहे हैं, इसके लिए यू नीड टू अप्लाई supri10 कोड टू गेट बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट, जो कि है अभी 10%, है ना। इफ यू आर टारगेटिंग फॉर 2021, यू कैन प्लान फॉर 3 और 6 मंथ्स, राइट। और अगर आप 21 और 22 को टारगेट कर रहे हो, तब यू कैन प्लान फॉर 1 ईयर और 2 ईयर, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे इसको सोच रहे हो। नेक्स्ट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसमें एडवांटेज है पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको मिलती है। तो इसके लिए भी यू हैव टू अप्लाई supri10 कोड टू गेट बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट, राइट। टॉप क्वेश्चन सीरीज में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में? हरीश, देखो होता क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन तो कभी बहुत रेयर चांस है आने के, बट वन थिंग इज श्योर, अगर जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, उसकी अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर ली है, तो डेफिनेटली जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली रिपीट होंगे, क्योंकि आप खुद ही सोचो कि एक चैप्टर से मान लो एक क्वेश्चन आ रहा है, मान लो एक चैप्टर से उस चैप्टर के आपने 100 क्वेश्चंस किए, 100 क्वेश्चंस का मतलब है ऑलमोस्ट 50 to 60 न्यू कॉन्सेप्ट, 100 क्वेश्चन का मतलब है 50 से 60 न्यू कॉन्सेप्ट। तो एक क्वेश्चन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा हो जाती है। मैं नहीं बोलूंगा कि कर लो तो क्वेश्चन आना ही आना है, बट आप खुद ही सोचो कि अगर 50 60 नए कॉन्सेप्ट आप कर रहे हो, तो आप इतने मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे। बाकी तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। झूठ बोलते हैं जो बोलेंगे इतना कर लो तो इसमें तो आना ही आना है, नहीं, किसी को नहीं पता कि फ्यूचर क्या होगा। हमारा काम है और आपका काम होना चाहिए कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना, उसके बाद तो है ना किस्मत के ऊपर है और आपकी मेहनत के ऊपर है, राइट। बट हाँ, चांसेस है कॉन्सेप्ट रिपीट होने के, दैट इज फॉर श्योर। तो ये कोड कभी भी प्लान बने तो यू कैन अप्लाई दिस कोड। तो मिलते हैं 9 PM पे। टिल देन एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।